press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया आज सभा में बैठे धृतराष्ट्र का मन थोड़ा उचाट सा था मन में बेचैनी थी किसी अनहोनी की आशंका से घिरे हुए थे संजय उन्हें अपलक निहार रहे थे प्रोटोकॉल का तकाजा था महाराज बोले बहुत दिनों से जम्मुद्वीप की कोई खबर नहीं आई डंकापति के हाल कैसे हैं संजय संजय को सहसा अपने होने का भान हुआ लिहाजा संयत होकर बोले जम्मुद्वीप में सर्कस का क्लाइमेक्स चल रहा है महाराज धृतराष्ट्र बोले थोड़ा खुल कर बोलो संजय बात कुछ समझ में नहीं आई संजय फिर से बोले जम्बुद्वीप में एक जिला हुआ हाथरस वहाँ एक दलित बालिका की दुष्कर्म और हत्या हो गई तब से वहाँ धमाचौकड़ी मची हुई है महाराज धृतराष्ट्र बोली यह तो बड़ा अधर्म हुआ डंकापति क्या कर रहे हैं इस मौके पर संजय ने चित्त को एकाग्र कर कहा वो अंधेरी सुरंग में हाथ महाराज के माथे पर बल पड़ रहे थे उन्होंने पूछा इतना बड़ा अधर्म हुआ और डंकापति दस दिनों में एक दलित बेटी के लिए कुछ न बोल सके महाराज के इस सवाल पर संजय कुछ डिजिटल डाटा खंगालने लगे माल हाथ लगा तो बोल पड़े डंकापति का ट्विटर हैंडल तो पूरी तरह से सक्रिय है महाराज उन्होंने इस बीच कुवैत के आमिर की मौत पर दुख जताया है डोनाल्ड ट्रंप के कोविड पीड़ित होने पर सहानुभूति जताई है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर खुशी भी जताई है बस हाथरस के मामले पर चुप हैं इतना बोलकर संजय थमे तो महाराज ने उचा सुख और दुख के इतने सारे भाव एक साथ डंकापति कैसे साध लेते हैं संजय ने जवाब दिया डंकापति मनुष्य नहीं माया है महाराज धृतराष्ट्र फिर से मुद्दे पर लौट आए तो क्या उस बालिका के प्रति संवेदना का एक शब्द भी नहीं फूटा डंकापति के मुंह से संजय ने कहा अब तक तो नहीं महाराज धृतराष्ट्र ने फिर पूछा ऐसा क्यों संजय ने फिर उचा डंकापति साजिशों के गुत्थी सुलझाने में लगे हैं धित लगभग भड़कते हुए बोले सीधी बात बोला करो संजय ठिठोलियाँ न किया करो संजय ने सहमते हुए कहा डंकापति का मानना है कि हाथरस की घटना विदेशी साजिश है बालिका का दुष्कर्म और उसकी हत्या उत्तर प्रदेश और देश में जातीय दंगे भड़काने के लिए की गई है देश के अंदर इसमें पीएफआई शामिल है और विदेश में एमनेस्टी इंटरनेशनल शामिल है मॉरिसस के रास्ते सौ करोड़ रुपए भी आए हैं बालिका का बलात्कार और और हत्या तो बस है। आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा न्यूज़ चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की न्यू रखी गई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग राजनीतिक दलों के लोग विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे यह दृश्य आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है संजय ने फिर से बोलना शुरू किया महाराज उनकी डुगडुगी बजाने वालों ने इस यात्र माफ कीजिएगा षडयंत्र की कहानी चौतरफा फैला दी है देशों से करोड़ों की फंडिंग हुई पूरे कांड के लिए एस डी पी आई पी एफ आई से लेकर इंटरनेशनल पर बहुत बड़ी साजिश रचने का इस देश में आरोप लग गया है बहाना था दंगा फैलाना था यूपी चलाना था आपका उत्तर प्रदेश चलाना था उसका बहुत बड़ा खुला था आज मैं न्यूज एट इन इंडिया पर करने जा रहा हूँ गवाह है कि किस तरह सी ए, -ए, ए को मुस्लिम विरोधी बताकर दिल्ली यूपी से लेकर साउथ के राज्यों तक हिंसा की आग बढ़ताई गई और ए -ए का शाहीन बाग वाला दंगा मॉड्यूल केस के बाद भी सब कुछ यूपी सरकार ने बताया है जांच एजेंसियों ने ऐसी वेबसाइट भी रिपोर्ट की जिसमें बताया गया की कैसे पीड़ित परिवार के दर्द को दंगे तक पहुँचाने पहुँचाना चाहिए और इसकी बकायदा साजिश रची गई और जो खुलासे हुए हैं जो दावा है योगी सरकार का वो इतना हैरान कर देने वाला है उसमें इस तरीके के दावे किए गए हैं मैं दो लाइनों में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ की ये एक तरीके से दंगे वाला मौका था ये हाथरस को शाहीनबाग बनाना चाह रहे थे ये दिल्ली वाला दंगा प्लान हाथरस में कामयाब करना चाह रहे थे इस मौके पर धृतराष्ट्र की छठी इंद्री सजग हो गई तम-तमाकर बोले जम्बूद्वीप क्या जमुरो का द्वीप हो गया है रॉ आईबी, ईडी, एनआईए आदि भांति भांति के गुप्तचर संस्थाएं जनता के पैसे पर सिर्फ मौज मार रही हैं और डंकापति के पास व्योमकेश बख्सी एक एनएसए भी तो है वो क्या करते हैं दिन रात इन साजिशाना जानकारियों का कोई इनपुट घटना घटित होने से पहले मिली क्या क्या कोई एहतियाती अलर्ट मतलब कुछ भी मिला क्या महाराज का सुर गर्म हो गया था सौ करोड़ क्या बोरे में कर आए थे वो आगे बोले डंकापति राज चला रहे हैं कि रंगमंच पुलवामा में हजारों किलो विस्फोटक आ जाते हैं डंकापति को हवा तक नहीं लगती राज है कि मजाक है संजय ने सिर्फ इतना ही कहा नहीं महाराज वो सर्कस चला रहे हैं इसके बाद महाराज उठे और अपना पैर पटकते हुए अंतपुर को लौट गए धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही अब हम खबरिया चैनलों के अंडरवर्ल्ड की थोड़ी सैर कर लेते हैं पत्रकारिता में अंग्रेजी के दो जुमले काफ़ी प्रचलित हैं एक है बैलेंस रिपोर्टिंग और दूसरा है मंकी बैलेंसिंग दोनों बिल्कुल अलहदा चीज़ें हैं जब आप ईमानदारी से किसी घटना के सभी पक्षों को सामने रखते हैं तो उसे बैलेंस रिपोर्टिंग कहते हैं लेकिन जब आप किसी घटना से सिर्फ संतुलन स्थापित करने के लिए गैर जरूरी गधह पचीसी करते हैं तो उसे मंकी बैलेंसिंग कहते हैं पिछले हफ्ते इंडिया टुडे आज तक के रिपोर्टर तनुश्री पांडे ने अपनी बेहतरीन रिपोर्टिंग से जो सम्मान अर्जित किया था उस पर आज तक की स्टार एंकरा श्वेता सिंह ने शिद्दत से मंकी बैलेंसिंग कर दिया

तो आपको आश्चर्य क्यों होना चाहिए मंकी बैलेंसिंग का काम सिर्फ श्वेता सिंह ही कर रही हूं ऐसा नहीं था एबीवीपी माफ कीजिएगा एबीपी न्यूज वाली रूबिका लियाकत को भी कुछ ना कुछ बैलेंस करना था सो so, ईटा पाथर लेकर चंद्रशेखर आजाद पर चढ़ बैठी तर्क ये था कि जब तक आप देश के बाकी तीन बलात्कार पीड़िताओं से नहीं मिल लेते तब तक आपको हाथरस की पीड़िता से मिलने का हक नहीं है तीन चार सौ दलित बच्चों, बच्चों के जाता साथ रेप हुआ चंद्रशेखर आजाद कितनी पीड़ित बच्चियों के परिवार से मिलने गए अब अगर इसी तर्क को रूबिका जी पर लागू करें और उनसे पूछें कि हाथरस में वो जो नौटंकी नुमा परेड कैमरे के सामने कर रही थी उसका अधिकार उन्हें तभी है जब वो तीन बलात्कार पीड़िताओं के घर के बाहर भी वैसी ही परेड कर चुकी हों तो उनका जवाब कुछ यूं होगा धमकाना बंद कीजिए धमकाना बंद कीजिए धमकाना बंद कीजिए खबरदार अब बहुत हो गया हम लोग का लिहाजत नहीं पता आपको और पतन की इस चूहा दौड़ को पराकाष्ठा पर पहुंचाया अर्नब गोस्वामी ने तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं तो ये तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर एक लड़की की मौत तुम्हें अगर मनोहर कहानियां लगती हैं तो बतौर पत्रकार ही नहीं बतौर इंसान भी तुम मर चुके हो कॉल डाटा रिकॉर्ड से क्या साबित होता है यही ना कि शायद शायद दोनों एक दूसरे को जानते थे पर क्या इससे बलात्कार का पाप धुल जाता है उसकी हत्या का अपराध खत्म हो जाता है उसकी लाश को मनमाने तरीके से फूकना जायज हो जाता है अरनब से इन दिनों ये सवाल करना भी इंसानियत के मुँह पर झापड़ है और इस दौरे अफरा तफरी में एक व्यक्ति बिल्कुल अलग तरीके से मंकी बैलेंसिंग कर रहा था पता तो चल ही गया होगा आपको दो शब्द अचानक से दो शब्द वाले भाई पर पत्रकारिता का भूत सवार हुआ तो वह संबित पात्रा से उलझ गया नहीं मेरी हिम्मत की चिंता आने मत करिए मैं तो लेता हूं कि हिम्मत मैं तो लेता हूं हिम्मत का लेकिन यह ठहरी रंगमंच की कठपुतलियां जिस अदृश्य शक्ति के हाथों में है उसने जैसे ही डोर में तनाव दिया अमीश भाई रास्ते पर लौट आए क्या हाथस के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को बदनाम करने की एक कोशिश हुई क्या दंगा भड़काने के लिए जातीय हिंसा भड़काने के लिए षडं किया गया आज टक्कर में हम करने वाले हैं सबसे विस्फोटक खुलासा यानी बिग एक्सपोज़े जिसके बाद सारा मामला दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो जाएगा आज तक की एक और एंकरा है चित्रा त्रिपाठी उनके कोई भैया हैं शलभ मणि त्रिपाठी हमने पता किया तो मिला कि वो पूर्व पत्रकार और वर्तमान में भाजपा के नेता है इन्हीं भैया ने बहन का दिल दुखा दिया चित्रा गई थी हाथरस रिपोर्टिंग करने वहां वो कोविड से संक्रमित हो गई अपना दुखड़ा उन्होंने ट्वीट किया तो एक आई अधिकारी ने तंज मार दिया कि कर्म का फल है इस तंजिया हमले को उनके भैया शलभमणि त्रिपाठी ने रीट्वीट कर दिया इस पर चित्रा जी का दिल दुख गया उन्होंने जवाब में अधिकारी और भैया दोनों को कोरोना के प्रति संवेदनशीलता की घुट्टी पिलाई अब आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए इस कोरोना से पीड़ित होने पर खुद के लिए चित्रा जी सोशल मीडिया पर संवेदना ढूंढ रही हैं उन्हीं चित्रा जी ने अप्रैल के महीने में संवेदनहीनता के कई कीर्तिमान रचे थे हमारी कामना है कि चित्रा जी कोविड से मुक्त होकर पूरी तरह स्वस्थ होकर निकलें एक बेहतर पत्रकार बनकर एक बेहतर इंसान बनकर ऐसे ही तबलीगी भी संक्रमित हुए होंगे जानबूझकर भला कोरोना से संक्रमित होना कौन चाहता है और अब हम आपको दिखाते हैं खबरिया चैनलों की दुनिया में हुआ एक शानदार दंगल हालांकि इसके विजेता का फैसला होना अभी बाकी है इस दंगल के कई और राउंड आगे भी होने अभी बाकी है घोटाले के बादशाह तक सुन लो तुम्हारा एक एक कच्चा चिट्ठा मेरे पास है कि मैं सबसे ज्यादा देखा जा रहा हूं यह देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है रिपब्लिक ने भारत के साथ चीटिंग की है और मुंबई पुलिस ने उस बहुत बड़े स्कैम का भंडाफोड़ किया रिपब्लिक भारत नंबर वन हो गया और कल मुझे पता चला कि आज तक एबीपी न्यूज जी टीवी सबने इसी फर्जी खबर को लेकर बड़े बड़े लेक्चर दिए तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं मुझे पता है कि आप लोग सब मिले हुए हैं सब मिले हुए और जिन चैनलों को हमने हराया मीडिया की ताकत बताने की बजाय मुझे मीडिया में ही कुछ लोग हैं जो टीआरपी का ये गंदा खेल खेल रहे थे पैसे की पैसा फेंको टीआरपी देखो वो बताना पड़ रहा है कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन ये सच है ना तो मुझे पता है कि आप लोग सब मिले हुए सब मिले हुए और जिन चैनलों को हमने हराया वो सब मिले हुए हैं और वही तो परमबीर सिंह का इंटरव्यू कर रहे हैं कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने भारत के साथ धोखा किया है रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है आज सन्नाटा दिखाइए जरा जहां से सबसे ज्यादा शोर निकलता है हर किसी पर उंगली उठाने दिक्तुर। की आदत है बेबुनियाद तरीके से मैं कहना चाहता हूं इंडिया टीवी कुछ कुछ भी बोल दिया आज रजत शर्मा जी प्रोग्राम कीजिए आप इंडिया टुडे पर मैं नाम लेकर कह रहा हूं आपको रजत शर्मा जी छोटी सी सफलता के लिए थोड़े से पैसे के लिए दर्शकों की संख्या को बढ़ा चार कर दिखाने के लिए जब मैनुपुलेशन किया जाता है दर्शकों के साथ ये धोखा होता है गलत रास्ते अपनाने से किसी भी टीवी चैनल की और टीवी चैनल की वजह से पूरे मीडिया की गिरती है, सब लोग शक के दायरे में आते हैं तो इस दंगल से आपको क्या समझ आया क्या यह जनहित की पत्रकारिता के लिए हो रही लड़ाई है क्या यह खबरों की गुणवत्ता में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है इन सभी सवालों का जवाब है नहीं यह लड़ाई है दो चैनलों के संपादकों के नाक की उनके अहंकार की यह लड़ाई असल में विज्ञापन की मलाई की लड़ाई है यह लड़ाई उस मोटे पैसे से हाथ धो बैठने के डर की लड़ाई है जो इनकी बेमतलब की बहसों और नौटंकियों से पैदा हुई टी के कारण इन्हें मिलती है इस लड़ाई में न तो आपकी बात है न आपका हित है फिर भी इसे प्राइम टाइम पर पत्रकारिता की चादर में लपेट कर पेश किया जा रहा है खबरों और पत्रकारिता की मूल शर्त है उसका जनहित लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत होना यह तभी संभव है जब इसमें आप खुद योगदान करें वरना टीवी के संपादक नाक की लड़ाई यूं ही लड़ते रहेंगे न्यूज़ लॉन्ड्री एक ऐसा ही प्रयास है न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें आयरनी यानी विडंबना ने इस हफ्ते एक बार फिर से आत्महत्या की अर्जी दी है सुधीर जी ने मीडिया पर ज्ञान दिया है पहले आप उनका ज्ञान देखें बाद में टिप्पणी भारत के लोग भी फरमाइशी खबरों का चित्रहार अब न्यूज चैनल्स पर देखना चाहते हैं क्या भारत के लोग भी अब न्यूज चैनल्स पर न्यूज की बजाय नौटंकी देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है तो मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए मीडिया की भूमिका ये होनी चाहिए कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है यानी जनता जो सुनना चाहती है कि नेता जो सुनना चाहते हैं बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो सुनना चाहते हैं एनजीओ वाले जो सुनना चाहते हैं वही बताती रहे जिसमें न्यूज चैनल को यह पता हो कि देश की जनता के बीच में माहौल ऐसा है और हमें माहौल के हिसाब से खेलना है वो करना चाहिए या सच बोलना चाहिए आज डीएनए में हम आपको सुशांत सिंह राजपूत के दो प्राइवेट वीडियोस दिखाने वाले हैं हमारी कोशिश तो यह थी कि यह ना दिखाएं लेकिन अब इस इस देश में में सुशांत के बारे में लोग इस कदर जानना चाहते हैं वो यह जानना चाहते हैं कि कि सुशांत के के साथ क्या हुआ पहली बात यह है मीडिया खबर नाम पर आपको नौटंकी दिखा रहा है और ये नौटंकी ही आपके मनोरंजन में बदल गई है इसलिए सवाल आपसे ही है आप ये नौटंकी देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं या फिर सच्ची खबरें देखना चाहते हैं इसलिए अब हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके शहर पर कभी परमाणु हमला हो भी जाए तो आपको क्या करना चाहिए परमाणु हमला होने की सूरत में अपने आसपास सबसे मजबूत बिल्डिंग में शरण लें आप जितनी जल्दी हो सके बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचने की कोशिश करें जब तक मदद ना पहुंचे बाहर निकलने की भूल कभी ना करें हो सके तो अपने साथ बैटरी से चलने वाले एक रेडियो को रखें इस रेडियो को संचालित कर, करने के लिए आपको कुछ बैटरीज भी अपने साथ रखनी होंगी एक बहुत लोकप्रिय कहावत है सूप तो सूप तो चलनियों बोले जिसमें सौ छेद खैर बोलना सबका अधिकार है आज हम बार बार आपको फ्लैश बैक में ले गए अतीत की कई खिड़कियाँ खोली बस एक और खिड़की खोलकर मैं आपको आराम दे दूंगा इस आदमी को आपने कुछ महीने पहले बतौर चश्मदीद सुशांत सिंह मामलों के विशेषज्ञ के रूप में चैनलों पर देखा होगा मुझे लगा हंड्रेड मर्डर 101 परसेंट इट्स मर्डर अब हम आपको इस आदमी का ताजा रूप भी दिखाते हैं अरे चुप अबे चुप अबे चुप मैं बताता तेरे को प्रूफ देता हूँ मेरे पास प्रूफ है तू बात बात मत सुन सर ऐश्वर्या सर इनका वॉल्यूम डाउन करो बहुत जरूरी बात बोली है वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम डाउन गणेश जी बोलिए जरूरी बात बोली है वॉल्यूम डाउन यह इस आदमी का सच नहीं बल्कि रिपब्लिक टीवी का सच है यह चैनल ऐसे ही सड़क छाप सिरफिरों को चैनल पर बिठाकर उन्हें एक्सपर्ट के रूप में सामने रखता है लेकिन नील पोत कर सियार कितने दिनों तक शेयर होने का फर्जीवाड़ा करेगा और अब मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ आपने हमारा नया एनएलसेना प्रोजेक्ट देखा होगा हमारे रिपोर्टर बसंत कुमार इन दिनों बिहार में हैं वो चुनाव कवर कर रहे हैं और यकीन मानिए हम खबरिया चैनलों की तरह गैर जरूरी बहसों में चुनाव की अहमियत को ख़त्म नहीं करेंगे बसंत बिहार से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो पॉडकास्ट लेकर आएंगे असली बिहार आपके सामने रखेंगे हमारी आपसे अपील है कि इस एन एल प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि हम बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्ट्स और बाकी खबरें आप तक ला सकें

दुर्भाग्य की बात है बिहार के चुनाव के लिए कि युवाओं के रोजगार पर कोई बात नहीं करने के लिए तैयार स्टूडेंट का पहला मुद्दा होता है रोजगार क्योंकि पढ़ाई किया है इतना डिग्री लिए है ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अभी तक रोजगार नहीं मिला यहाँ कोई भी काम अच्छा से हो ही नहीं रहा सब में धान लिया जो है जो गवर्नमेंट है ये बीच बीच में एक एजेंडा लाता है जिससे आदमी को रास्ते से भटकाता है सिर्फ अपने फायदा के लिए बिहार में बाहर है या फिर बेरोजगार है इस बात को समझने के लिए हम लोग इस वक्त पटना यूनिवर्सिटी में है एक ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी नमस्कार